मंगल पांड्या स्टोर में बहुत ही बड़ा ड्रामा और बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी शुरू होगी। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि रावी को गुंडे उठाकर ले जाते हैं और शिवा उसे बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। गुंडे काड़ी को पहाड़ी से गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवा लास्ट मोमेंट पर जाकर उस पहाड़ी से उस गाड़ी को भी बचाता है और बेहोश हुई रावी को भी बचाकर उठाकर घर लेकर आता है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि देव को पता चल चुकी है कि वो फाइल कहाँ रखी गई और वो उसे चुराने की पूरी प्लानिंग बना रहा है। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि सुमन नाराज हो जाती है धरा से कि वो उसको सच नहीं जानने दे रही और क्रिश को भी चुप करवा देती है। लेकिन सुमन अब नाराज हो जाती है और कहती है कि मैं अपने कमरे से तब तक बाहर नहीं आऊँगी जब तक मेरे बेटे और बहू वापस नहीं आ जाते। तो वहीं पर अब भाई यहाँ पर रावी को तो होश आ ही जाएगा और देखने को मिलेगा कि जल्दी ही शिवा और रावी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेगी और जल्दी ही घर में एक बड़ी खुशखबरी भी सुनाई जाएगी। तो भाई धरा से पहले रावी यहाँ पर खुशखबरी सुनाते नजर आने वाली हैं जो कि घर का पूरा माहौल ही बदल देगी। तो दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है यहाँ पर पहुँचते हैं धरा और गौतम और क्रिश वहाँ पर फाइल चुराने के लिए और देव की मदद करने के लिए। और सच में वो फाइल चुरा तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर रिशिता और बुआ जी आ जाते हैं और उस फाइल को छीनने की बुआ जी कोशिश करती हैं। लेकिन धरा रिशिता को समझाती कि आखिर उन्होंने भी तो बड़ी चालाकी से उनके पेपर छीने हैं और बहुत ही घटिया चाल चली थी, तो इनके साथ ऐसी ही चालाकी चलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर रिशिता घर वालों का ही साथ देते नजर आने वाली है, यानी धरा का साथ देते नजर आएगी। तो वही देखने को मिलेगा कि यहाँ दूसरी तरफ रावी जल्दी ही घर वालों को जैसे ही घर पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ पर बड़ी खुशखबरी घर वालों को देते नजर आएगी और पांड्या परिवार की एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है।